नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विंडोज 10 में टास्क बार के लोकेशन को कैसे चेंज करते हैं। अगर आप अपने इस टास्क बार के लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, इसको अगर आप टॉप में सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट में या फिर राइट में सेट करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों टास्क बार के लोकेशन को चेंज करने के लिए आपको यहां सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टास्क बार एंड नेविगेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां पे टास्क बार सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। टास्क बार के इस पेज पे यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, आपको यहां रेडियो बटन पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। अगर आप अपने इस टास्क बार को टॉप में सेट करना चाहते हैं तो आपको यहां से टॉप को सिलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे टास्क बार यहां टॉप में सेट हो जाएगा। अगर आपको यहां लेफ्ट में सेट करना है तो आपको यहां से लेफ्ट को सिलेक्ट करना है और आप देखेंगे यहां पे टास्क बार लेफ्ट में जाकर सेट हो जाएगा। अगर आप अपने टास्क बार को राइट में सेट करना चाहते हैं तो वैसे ही आप यहां राइट को सिलेक्ट करेंगे और टास्क बार राइट में जाकर सेट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल पैनल में आकर यहां टास्क बार एंड नेविगेशन पे क्लिक करके आप अपने टास्क बार के लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।